खबर कानपुर से, जहां सरकारी बस पर जमकर पथराव किया गया। रोडवेज बस पर महिलाओं ने पथराव किया। मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी। बस पर पथराव होते ही सवारियों ने बस खाली की। मेरठ से कानपुर आ रही थी रोडवेज की बस। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रोडवेज बस पर महिलाओं ने पथराव किया। मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद इस तरीके से पथराव का ये पूरा मामला सामने आया है। बस पर पथराव होते ही सवारियों ने पूरी बस जो है खाली कर दी। इससे पहले कि वो घायल होते, सभी जो सवारियां हैं वो बस से नीचे उतर गई। मेरठ से कानपुर रोडवेज की बस आ रही थी और इसी दौरान मामूली सी कहासुनी हुई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोड़ का ये पूरा मामला है, जहां पर महिलाओं ने पथराव कर दिया और सरकारी बस पर जमकर पथराव किया गया, जिस दौरान तोड़फोड़ की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। बसों को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ। जो तमाम शीशे हैं वो टूट गए और इसी दौरान सवारियां किसी भी तरीके से, उनको नुकसान नहीं पहुंचा है फिलहाल, क्योंकि वो मौका रहते ही वो लोग नीचे उतर गए सभी सवारियां। फिलहाल मेरठ से कानपुर आ रही थी ये रोडवेज की बस, जिस पर पथराव किया गया है। मामूली सी बात को लेकर महिलाओं ने ये पथराव किया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से मामूली सी कहासुनी को लेकर ये तोड़फोड़ की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, क्या जानकारी? देखिए, क्या वो मामूली सी बात थी जिसको लेकर इस कदर तोड़फोड़ मचाई गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। ये जो रोडवेज की बस जो मेरठ से कानपुर की ओर आ रही थी, ऐसे में कल्याणपुर क्षेत्र में जब बस पहुंचती है तो वहां से एक महिला जो कार ड्राइव कर रही थी वो बगल से निकलती है, उसकी गाड़ी में बस से हल्की सी टच हो जाती है, गाड़ी टकरा जाती है, जिसको लेकर के विवाद होने लगता है। ऐसे में जो महिला थी उसने अपने काफी समर्थकों को वहां पे बुला लिया और बुलाने के बाद जो बस का चालक था, कंडक्टर, उससे मारपीट की। यहाँ भी जब उनका मन नहीं भरा तो उसका बस से पथराव कर दिया। ऐसे में जो उस वक्त बस में जो यात्री मौजूद थे उन्होंने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई और संबंधित थाने में, उसमें कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो विवाद हुआ था उस विवाद की जिसको समझा कि किस कारण ये विवाद हुआ, उसके दोनों पक्षों समझाने का प्रयास किया। समझाने के बाद जो महिला थी, जिन लोगों उसके साथ समर्थक जिन्होंने मारपीट की थी, उनको थाने जाती है और उस बस कंडक्टर को भी थाने जाती है और ट्रेन को बुलाकर बस को हटा दी, जिससे कि जो जाम की समस्या बन रही थी उसको खत्म किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने ये आ रही है कि अभी तक जो विवाद होता था कहीं ना कहीं पुरुषों की दबंगई देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर इस पूरी घटना में महिला की दबंगई देखने को सामने आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तो आ रही है जो महिला जब इस तरह की हरकतें करेंगी तो आगे क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों तहरीर दे ली है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है वो कर रही है। जी बिल्कुल। और इस दौरान करीब कितनी महिलाएं इस तोड़फोड़ में शामिल थी राम जी? इस घटना में जो जिस महिला की गाड़ी टकराई उसके फोन करने के बाद कम से कम दो गाड़ियां वहां पर आती, जिसमें एक गाड़ी में सिर्फ महिलाएं थी, दूसरे में कुछ एक जो लड़के थे, दो चार लड़के थे, लेकिन महिलाओं की संख्या वो ज्यादा थी। करीब 10 से 12 महिलाएं थी जिन्होंने पथराव किया है। फिलहाल उसमें से काफी महिला भाग गई, तो जो जिस महिला से विवाद हुआ था उसको, उसके समर्थक में 3 महिलाओं को पुलिस कल्याणपुर थाने लिया है, वहां पर उनसे पूछताछ कर रही थी। उसके साथ ही जो सरकारी बस का ड्राइवर था उसने भी लिखित में तहरीर दी और महिला ने भी तहरीर दी। फिलहाल दोनों तरफ तहरीर आई है, पुलिस उसके आधार पर जो जांच करे उसके आधार पर क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए।